हाय गाइस, अभी हम कैसे हम दोस्तों पता लगा कि नया वर्ड आज से बोलते हैं तबीयत भाई वो तबीयत होता है इंसान की तबीयत से पता लग जाता है वो चेक कर रहे हैं वो तबीयत होता है ये देखें आप कहाँ वो कमेंट्स कहाँ आएंगे कमेंट्स कहाँ ये आएंगे 11 हाय अभी तुम चेक करना अभी देखना कैसे पढ़ेंगे हाय हाय सबको हेलो 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 अभी सब पता है क्या कहेंगे हाय 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 से माय नेम से माय नेम से माय नेम से माय नेम ना आपका फेसबुक पेज है 200 हो गया आप उससे कभी लाइव जाती हैं 18 क्यों क्योंकि जरूरत नहीं महसूस हुई आज तक ये इसकी अच्छी ये बात है कि इसकी वीडियो सेव होती मतलब आपकी एज वीडियो पोस्ट हो जाती है इंस्टाग्राम पे गायब हो जाती है नहीं नहीं होती मैंने सेव की है 24 आवर्स की हां इसमें फॉरएवर फॉरएवर तो Just say my name once, Maria. आप अब जो जो आज कहेगा ना say my name. सलाम beautiful. हिना क्यों? हिना ये आपका. हिना the most overrated actress. मेरी इज्जत रख लो मैं एक तो ये असल में ये जेलिस है क्योंकि हम साथ काम कर रहे हैं जैसे आपके. देख ले मैं कुछ नहीं बोल रही आलिया. जैसे आपके लड़के फैन होंगे तो इसलिए. हेलो आसिमन हिना बोल रहा हूँ अमेजिंग आई लव योर एक्टिंग इनकी एक्टिंग आसिम आई लव योर ब्यूटीफुल वॉइस शुमाइल थैंक यू शुमाइल प्लीज से माय नेम कैसे हैं ओ कैसे हैं आप आसिम हैं हिना बच्चे को बताएं कैसे हैं हे लव व्हाई डोंट यू रिप्लाई माय मैसेजेस ये आपसे कहा है मैं नहीं मुझसे नहीं कहा लड़का है तो लड़का बात नहीं कर सकता She's that much. वो ये वो ही है इसको मसला. She's that much. नन्ही. पता नहीं भाई. हम ब्लॉग भी कर सकते हैं. Dear Asim, I love you. Hina, you look so cute. Asim, you're perfect. Ravi, you're so cute, Hina. You both look so cute. My friend really likes you, Hina. Thank you. आप अच्छा आप लोग ये बताएं कि हिना का आपको अभी तक या जो अभी चल रहा है सबसे अच्छा कौन सा वैसे आप कौन सी दफ़ा लाइव जा रहे हैं आसिम दसवीं ग्यारहवीं दफा अच्छा तो लाइव जाके क्या करते हैं लाइव जाके मैं बात करता हूँ मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और गिले सुनता हूँ कि जो मैं Girl, this color is looking amazing. ये कौन सा? Rija. Oh, nice. अच्छा ये क्या है मैंने आया कि हिना था you're so pretty, nasty, your personality, your voice, I will die one day. हम सबाजी से भी मिलाते ना इजाजत है हम आपकी तरफ कैमरा कर सकते हैं एक मिनट Asim, my cousin would die to get your reply. Pagli is going so good. Can't even express. Thank you guys. Asim, I love your song, Tera Wo Pyar. We love it too. मैं सुबह सुबह वही सुनती हूँ यहाँ पे आके. हमने क्या decide किया था हम Pagli के बारे में बात करेंगे. Tera Wo Pyar. अब मैं दिखा सकता हूँ. हाँ प्यार जा. जबरदस्त. ये देखिए मैं कौन join कर रहा है. कोई बात नहीं मैं आपके लिए पढ़ दूँगा. Okay. ऐसे कर देते हैं. ओहो ये तो हम टेढ़े हो गए ऐसे ही करना पड़ेगा सॉरी वेट आप पे कैमरा आएगा हाय हाय इनको आप लोग जानते ही हैं सबसे पहले तो भाई वेरी वेल डन इन बागी और आई एम श्योर आप सब लोग फॉलो कर रहे होंगे और पगली में भी इन्होंने हमें अपनी प्रेजेंस से नवाजा है और ये एक ड्रोना शख्स वो आदमी है जो हमें हर दो सेकंड में सीन देने के लिए आ जाता है तो भाई आप लोगों के लिए हमारे पास क्या है Pagli इज़ ऑसम ड्रामा माय फेव अच्छा इसमें क्या होता है कि जब हम किसी को वो करते हैं ना बात तो उसके को 5 मिनट बाद टाइम लैप्स है इसमें तो कुछ आएगा तो मैं आपको व्हेन आर यू गाइस कमिंग लाइव ऑन Pagli's पेज है ना जगह बनाओ When are you guys coming live on Pagli page? Dr. Khalid bhi idhar maujood hain. Jab time mila. Dr. Khalid is too busy. Dr. Khalid abhi udhar karein. Dr. Khalid ko dikha sakte hain hum aapko Dr. Khalid aapke is posture mein dikha sakte hain zara apni kameez se. Dr. Khalid are you guys live? We're live on Pagli page. Hi everyone, how are you doing? Sabha ji aapke liye aaye Sabha madam you are rocking in our industry. Thank you so much. बहुत शुक्रिया ये किसने कहा है इनका नाम है चीज अली चीज अली बहुत शुक्रिया हाय वी ऑल लव यू लॉट इन इंडिया एंड वी फॉलो यू थैंक यू कायनात बहुत शुक्रिया
और हमें अभी सब आपा को सीन मिल गया, आपको सीन मिल गया, सीन मिल गया मेरा, छोटा सा सीन है, छोटा सा कट है, छोटा सा। अच्छा और क्या नजम पैकअप कब होगा? नजम पैकअप ये तो कोई, ये तो अफजल की अम्मी है। ओ प्यारे अफजल, देखा देखा आपने, बिल्कुल ये अफजल की अम्मी है, अफजल की अम्मी, कंदील की अम्मी, नहीं नहीं फरा और लुबना की। अच्छा हेलो डॉक्टर खालिद, आई लव योर वॉइस टोन। डॉक्टर खालिद आई लव यू ओके, लुकिंग क्यूट 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 क्यूट। अब आप पे डॉक्टर खालिद आई लव यू, आप बहुत अच्छे हैं, आप आ जाए ना प्लीज, आ जाए। ओके यस, हेलो हेलो एवरीवन, हाय स्पेशली टू ऑल द लेडीज, आसिम नूर हिना लुकिंग ऑसम, थैंक यू सो मच, दिस वाज मलिक, और मैं आपको बता देता हूं, मलिक वहीद, और कंजू सेज डॉक्टर खालिद आई लव यू, आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू, एंड लेट्स सी वेयर, अभी इसमें थोड़े टाइम बाद मैसेजेस लोड होंगे, बट एनीथिंग यू वांट टू से रिगार्डिंग, आई जस्ट वांट टू से दैट कीप फॉलोइंग द ड्रामा, वी हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड यू आर गोइंग टू सी आसिम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही हैज डन अ फिनोमिनल जॉब एंड No, I'm not. He's not nervous too, and neither am I. So I hope कि आप लोगों को मजा आएगा. The drama is going to pick up. So yes. Stick around and enjoy the roller coaster ride with us. Thank you. Yes. Sabha ma'am, you've done a great job in Baghi. Thank you so much. तुम इतने गोरे क्यों लग रहे हो इस वीडियो में? यार आप एक तो natural गोरी हैं. इन मतलब वो वैसे ही घोरी है। हाँ तो हम बहुत लाइट, नहीं नहीं वो लाइट कुछ ऐसे तुम्हारी लाइट, तो इसको क्या मसला है सभा जी? हाँ पता नहीं क्यों गोरे लोगों को तो वैसे नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए, वैसे तो सांवली रंगत भी। डॉक्टर साहब कितने क्यूट लग रहे हैं, है ना, हालांकि सांवले हैं, देखें कितने क्यूट है। अच्छा सबा मैम, योर एक्टिंग इट बदनाम इज ब्रिलियंट, योर एक्सप्रेशन इज सो नेचुरल, प्लीज आप लोगों ने घबराना नहीं है, मैं इतनी लड़ाका बिल्कुल नहीं हूं, मैं बहुत स्वीट हूं, लेकिन मुझे कैरेक्टर ऐसे मिलते हैं करने को कि सब लोग घबराने लगते हैं। नूर योर एक्टिंग इन बेखुदी इज आला। मैं कहती हूँ अभी तक क्यों नहीं आई बेखुदी की तारीफ, बेखुदी की तो बेखुदी तो। अच्छा आसिम, व्हाई डोंट यू ट्राई बियर्ड लाइक डॉक्टर खालिद? मैं डॉक्टर खालिद से, फोन की बैटरी डाउन हो रही है भाई, है मेरे फोन की बैटरी, बैटरी अब कितनी है बताओ? 10% अभी, ये एकदम से डेड हो जाएगा और फिर बस वो हमारा वीडियो का। हिना नाराज होके पीछे बैठ गई है क्योंकि उससे कोई उसको कोई स्क्रीन टाइम नहीं दे रहा। ये वो वाले मॉर्निंग शो है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, सबको, लेकिन अभी ब्रेक ना, यू गाइस कैन टॉक। अच्छा वाओ, सो मेनी टैलेंटेड पीपल आर लाइव एक साथ, वो भी थैंक यू, थैंक यू, योर एक्टिंग इन पगली इज वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू, अभी हम इंशाल्लाह पिकअप करेंगे आप लोग। सबा मैम, एनी चांस फॉर अस, लुक है और टैलेंट भी है, किसी ने अपने आप बिल्कुल ट्राई करें, बिल्कुल ट्राई करें, आजकल तो फील्ड खुली है, कोई भी आए टैलेंट आजमाए और स्क्रीन पर नजर आने लगेगा। अच्छा तो आप लोगों को तो पता ही है कि हिना जितनी अच्छी एक्ट्रेस हैं उतनी जबरदस्त होस्ट भी, होस्ट भी। तो अब मैं दे रहा हूँ आप लोगों को हिना के सपोर्ट, मैं चार्जर लेके आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो इस वक्त ये आसिम का फोन मेरे हाथ में है और अभी हम देखते हैं कि और क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं। आसिम जल्दी आ जाना और आपा के साथ सीन, सीन करते हैं सीन। तो अब हमें सीन के लिए जाना है आपा, तो एक काम करते हैं कि हम आप सबको अल्लाह हाफिज करते हैं और सीन में जा रहे हैं ना, हमें जाना है सीन, रात हो गई। अच्छा हाँ तो चेंज भी तो करना मैंने, तो बैठो तो अल्लाह हाफिज कर लेते हैं ना सर, खुदा हाफिज कर। अच्छा हम अगली दफा इंशाल्लाह, मैं अलग से खुदा हाफिज़ करवा लेता हूँ, एक सेकंड पहले आप लोग खुदा हाफिज़ करें। ओके खुदा हाफिज़, बाय बस। डॉक्टर खालिद से खुदा हाफिज़, बाय एवरीवन, लोड्स एंड लोड्स ऑफ लव, सी यू ऑन मंडे 8 PM ऑन हम टीवी, डोंट मिस इट आउट। ओके गाइस तो
ये लोग सीन में जा रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह करे आठ सात में आठ चले। अच्छा भाई, अब लेडीज तो चली गई हैं तो मतलब व्यूअर्स भी कम हो जाएंगे। बट गाइज आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक यू ऑल, और हमें अभी ये थोड़ा सा ब्रेक मिला तो आई वॉज लाइक के वी शुड गो लाइव और आप लोगों से बात करें। ओ बाय द वे हाँ, OST भी आ गया है तो आप लोग ज़रूर चेक इट आउट ऑन हम TV's पेज, आई मीन YouTube पेज, उस पर आ गया है तो एंड लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक बिकॉज वी वर्क हार्ड हम TV के लिए। डॉक्टर खालिद आपकी आवाज़ की इतनी तारीफ़ें आ रही हैं, योर वॉइस, वो लोग कह रहे हैं कि भाई हमें प्लीज़ बता दें कि आप कैसे। हाँ नो मतलब उनका आपको पता है ना व्हाट दे मीन, हाँ तो दे वेरी फॉन्ड ऑफ इट जी। हाँ हाँ आ जाओ यार, मिल लिया था अच्छा। और क्या सीन रेडी है? अच्छा और क्या बातें हैं, हाँ लेते हैं। वाओ पहली बार लाइव कमेंट रीड कर लिया, थैंक यू भाई। सीन रेडी है? इसके बाद दो सीन है। आई वॉन्ट आसमाज़ वर्जन ऑफ लग जाए गाइज, हम लोग आई थिंक अब वापस सीन में जाना चाहिए। ये क्यों नहीं चल रहा, ये किसका है? हिना का? हिना को जरा भी उतारो यहाँ से। नहीं नहीं चल रहा, एक मिनट मैं चार्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। चल रहा है, हिना को हम गलत वाले में लगा देते हैं। अच्छा चलो, अभी तक नहीं बुला रहे हमें तो हम बात कर लेते हैं। आर यू ऑन सेट ऑफ पगली? यस आई एम ऑन द सेट ऑफ पगली। यार मुझे पानी पिला दो, पानी मेरी बोतल उनसे, वो बशीर भाई से क्या रखी होगी। यू डिड ग्रेट इन शिकागो, वी हैड अ वंडरफुल टाइम, थैंक यू अरीबा, आई एम ग्लैड। ड्रामों की शूट, यार कितना अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया, ड्रामों की शूटिंग ऑन एयर होने से पहले नहीं ख़त्म हो जाती क्या? नहीं ये नहीं होती। अभी जैसे ड्रामा ऑन एयर है लेकिन हम फिर भी शूटिंग कर रहे हैं आगे के एपिसोड के लिए। डॉक्टर खालिद योर रोल इज ऑसम, अनाया सेज योर रोल इज ऑसम, थैंक यू अनाया। ओके और प्लीज सिंग समथिंग लाइव। अभी मैं कहने वाला था कि अभी मैं एक्टर मोड में हूँ, बट यू've said it. What do you want me to sing? अच्छा आप लोग फिर टेल मी के पगली सुना देता हूँ। ओके सही है, सो आई विल सिंग पगलीज OST। थोड़ी सी पगली कितनी हसी, सबसे अलग है बड़ी नाजनी, आँखों में है गुस्ताखियाँ जैसे मचलती हुई रागनी, मुझ में समेटी ना जा सकी, बिखरी हुई थी मेरी जिंदगी, कैसे बुझी कैसे चली, फिर भी नहीं हो सकी रोशनी, जाने तू ये जाने ना, माने क्यों माने ना, संग तेरे बीते जो पल वो भुलाए ना, सपनों की डोर क्यों थामी है तोड़ना, ये पगली है इश्क जाने ना। थैंक यू Where is this OST? You guys can go on YouTube. It's on YouTube. हम TV के पेज पे और या
Can you please read this comment? It will make my day. By the way, you're a very cool guy. Thank you, Sania. और मैंने आपका comment भी पढ़ लिया. तो सादा यार मेरी फ्रिज में रखी हुई है नाम से. वो उसमें नहीं है. बशीर भाई से पूछा. जावेद बशीर से दोनों से पूछा. उसमें है नहीं, एक भी बोतल नहीं उसमें. अच्छा चलो यार यही खा रहा हूँ. हाँ अच्छा. थैंक्स फॉर कमिंग लाइव जी. क्या मोबाइल से खींच के अपने पेज पे अपलोड करें. अच्छा तो हम आज सेट के बाद शूट के बाद तस्वीर खींच लेंगे. आपका फ़ोन किधर है अभी? तो मैं लाइव हूँ ना, इसमें कैसे खींचूँ? मेरा फ़ोन मिल नहीं रहा सुबह से. ओहो मिल जाएगी, मिल जाएगी इंशाल्लाह. आसिम व्हाट डू यू एंजॉय मोर, एक्टिंग और सिंगिंग? ऑब्वियसली आई एंजॉय सिंगिंग मोर. ठीक है ठीक. ऑब्वियसली आई एंजॉय सिंगिंग मोर बट एक्टिंग. अभी मैं नूर से यही बात कर रहा था कि एक्टर्स रियली मतलब देर द एक्चुअल हार्ड वर्कर्स. म्यूजिशियंस एक्टर्स की बनस्बत वे स्पॉइल्ड. इज द साइड हेयर स्टिल फेक और डिड यू ग्रो इट आउट? गुड चेक. लेकिन अब मैंने बढ़ा लिए हैं क्योंकि वो जो पेनफुल प्रोसेस होता था हर दिन एक घंटा नकली बाल लगना, उसके बाद से मैंने कहा जब तक ये प्रोजेक्ट नहीं ख़त्म होगा मैं बाल नहीं कटवाऊँगा. गर्ल्स के कमेंट रीड करते हो क्या? लड़के इंसान नहीं लगते. यार मैं तो सबके करता हूँ, सबके कमेंट्स कोशिश करता हूँ रीड करें. हैरत की बात है, सीन रेडी है लेकिन अभी तक कोई बुलाने नहीं आया. क्यों? मैं भी नहीं जा रहा. लोकल पीपल को कैसे चांस मिलेगा? इंशाल्लाह. ड्रामा इज अ बिट बोरिंग जस्ट वॉचिंग बिकॉज ऑफ यू. क्या आगे कुछ ट्विस्ट आने की उम्मीद है? मिस्टर नूर वुड यू लाइक टू से समथिंग टू दैट? समवन सेइंग ड्रामा इज अ बिट बोरिंग राइट नाउ, आगे कुछ ट्विस्ट आएगा? हाँ जस्ट यू हर्ड इट राइट देयर, जस्ट वेट फॉर टू मोर एपिसोड्स एंड उसके बाद आप खुद परेशान होंगे कि भाई किधर क्या जा रहा है. So, it'll pick up. Don't worry. So basically, a lot of people have been saying this for a lot of days and episodes that probably there are certain scenes which are a little similar to the movie Jab We Met. So I just wanted to answer that. जब ये drama शुरू होता है उसमें very clearly बड़ा बड़ा से लिखा हुआ होता है कि ये जो ड्रामा है ये शौकत थानवी का बहुत मशहूर नॉवेल है जिसका नाम है पगली, उससे इंस्पायर्ड है, उसकी अडेप्टेशन है. सो ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ कि जब दैट मूवी इफ दैट इज़ टेकन फ्रॉम द सेम और इंस्पायर्ड बाय द सेम मूवी ऑफ कोर्स इट्स बाउंड टू बी वेरी सिमिलर फ्रॉम द रेलवे track to the main character, a lot and of other things coming to, you know, exactly the same thing. So main sirf aap logon ko thoda sa, I mean I don't have to convince you, but all I'm saying is ki agar jin logon ko jo genuinely concerned hai ki itni similarities kyun hai, eventually it's going to be completely changed. Lekin jo beginning hai wo isliye aap logon ko thodi si similar lag rahi hai because it's one book. Ab us ek book mein se aap 10 movies bhi banayenge, they're bound to be like each other. So I hope that answers your question, and yes, it is going to be very fun, a lot of fun. Is also because the you've seen the movie and then you'll see yesterday there are a lot of turns and twists into the even into the character of Pagli herself. So it'll just go like this. Hopefully you'll enjoy that. Okay. Thank you Dr. Khalid for that lovely explanation. And ab mujhe lag raha hai main kisi charity function ka host kar raha hoon. Okay. What are you guys saying? भाई डॉक्टर खालिद आप तो लोगों को वो कर गए हैं. बेखुदी वॉज ऑसम. खत्म हो गया बेखुदी? Alright, so अब भाई आ गए हैं मिलान. क्या अभी टाइम है? चलो यार ये तो बहुत ही अच्छी बात की. अरे यार क्या चेंज में उस पता है उस ड्रेस में से स्मेल आ रही है, वो मैं बिल्कुल एंड में चेंज करूँगा. ठीक है.
थैंक यू यार, थैंक यू यार। इस ड्रामे के अलावा कोई ड्रामे में आप काम कर रहे हैं या आगे जाके करने का इरादा है? नहीं, अभी तो मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा, लेकिन यू नेवर नो, अगर मुझे कुछ मज़ेदार लगा, आई डोंट नो, मे बी। What are the pros and cons of being a young successful artist in Pakistani industry? I mean, pros to bahut sare hain, you know, bahut obvious hain jo, you know, people know you, and then you earn good money, and then, you know, there's fame, and then you do shows, and then, but cons, I think, हाँ, कौन पाकिस्तान में ये आएगा कि इफ़ यू आर यंग एंड यू आर सक्सेसफुल एंड यू आर गेटिंग टू द सक्सेस, आई थिंक बहुत सारे, क्योंकि जब आप यंग होते हो तो आपकी फॉलोइंग भी यंग होती है, जब आपकी फॉलोइंग यंग होती है तो आपको आपसे जेलस होने वाले लोग भी यंग होते हैं, एंड रिमेंबर अ लॉट ऑफ यंग पीपल आर वेरी इमेच्योर, तो वो लोग काफ़ी जेलस भी कभी कभार हो जाते हैं। हाँ ना, मेरा नहीं हुआ ना, उन्होंने कहा कि अभी रुक जाए आपको अभी, और पता है हम ऊपर गए आसिम लाइट ही नहीं हुई हुई, इसीलिए कभी इतने तुम ऐसे क्यों बैठे हो लाइट, क्योंकि चार्जिंग, भाई मैंने अभी हिना का फोन चार्जिंग सेट और ये जो है। और ये जो जगह जिधर आसिम बैठे हैं उसको PSO कहते हैं, क्यों यहाँ हिना की भी चार्जिंग जब खत्म हो गई, क्या बात है यार, आपने इतना मतलब मेरी मेरा मैंने होश अच्छा, बदल के गया, धूम 905 या फिर 11 कब बनाएंगे क्या पता नहीं क्या मतलब, बस पता नहीं प्रोडक्शन ही नहीं करती। आसिम एक्टिंग में कैसा एक्सपीरियंस है आपका? बहुत अच्छा, और मैं अब इवन मोर रिस्पेक्ट फॉर एक्टर्स, बहुत हार्ड वर्किंग काम है, बहुत ज्यादा थक गई हूं यार, पता है मैं आसिम आज हैं सुबह से, हां सुबह से कभी इतना किया नहीं ना काम एक साथ, बहुत स्पॉइल है ये, यू शुड बी वॉचिंग द मैच, अरे हाँ मैच भी तो आ रहा है, लेकिन हिना को तो बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में, मुझे तो ये भी नहीं पता टीम में लोग कितने, वेयर इज हिना, रो के किसी ने पूछा है, और हिना आ गई, हाय मुआ मुआ मीटा सरकार, OMG यू ब्लेसिंग आपके लिए, Hey dear, looking so cute. How you manage to study with your amazing career? I love you guys so much. आप प्लीज लाइव आता रहा करें, आज से मैं डॉक्टर से भी पूछे कि वो फेसबुक पे लाइव आते रहे, पूछे भाई वो पूछे कि आप भी फेसबुक पे लाइव आते रहा, your fans, he's saying this, smile, he's saying you both look great together. मुंह में क्यों लेके जा रहे हो फोन को? अरे भाई पढ़ना है ना, अच्छा आसिम ड्रामा बहुत अच्छा है, एक बार लाइव सुना दें सॉन्ग प्लीज, क्या बात है, क्या बात है, हिना लेकिन आसिम आज आपको सबूत मिला, जब आप अंदर आए तो मैं किसका गाना सुन रही थी, मेरा गाना और वाकई और मोमना गाना, तेरा वो प्यार, और कुछ आगे हिना शुक्र है आपने मेरे कमेंट्स पढ़ लिए, वरना आज तो गर्ल्स के झूठ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है ऐसा करेगा नहीं, इतना मुझे पता है, अगर जो लोग करते मैं मुंह पे बोल देती हूँ। बता दो यार क्या करना पड़ेगा ऑडिशंस के लिए, आप लोग आइए प्रोडक्शन हाउसेस, कौन से प्रोडक्शन हाउस, टैलेंट आए सिट्रस टैलेंट, हाँ, हाँ। फेसबुक पेजेस बने हैं, वहाँ पे जाइए अपनी पिक्चर्स दीजिए, आप में टैलेंट होगा आप जरूर आगे बढ़ेंगे, सिट्रस टैलेंट एंड टैलेंट आए हिना, आप भी लड़कों के कॉमेंट्स पढ़ो देखभाल के, जरा पहले पढ़ो फिर पढ़ो, मैंने ये एक्सपीरियंस किया लाइव कमेंट्स लाइव वीडियो से, कि पहले कमेंट दिल में पढ़ो फिर स्क्रीन, ये बंद हो गया, अम्मी की कॉल आ रही है, बंद हो गया ये, तो हम एक काम कर रहे हैं ऑफ एयर जाते हैं, अम्मी की कॉल आ रही है, अम्मी को पता है मैंने कहा है कि मैं इस वक्त लाइव, मैंने मैसेज किया तुम्हें, तो अम्मी फिर क्यों कॉल कर रही है, क्योंकि भूल गई होंगी ना, मैंने उनको याद दिलाया, यू बोथ लुक सोबर, तस्वीर भी अम्मी की लगी हुई है, मुझे क्या मतलब, हिना सही कह रही हैं आप, पता नहीं क्या बोला लेकिन बिल्कुल, गॉड ब्लेस यू बोथ, स्टे हैप्पी, और किसी ने बोला हबीब और हिमाने बकवास, अब ये नहीं पता बकवास किस चीज को बोला है तुमने, सब टोटल यू गाइस गॉर्जियस, शेयर योर एक्सपीरियंस विद टीम पगली, बस फोन आ रहे हैं मुझे, जब लाइव ऐसे जैसे
हिर एम्बेसडर फॉर योर रेस्टोरेंट नहीं करते ऐसे आसिम ऐसा कुछ. आसिम यू लुक्स गुड. अवाम नू पागल कितना है, पागल कितना है. आप पंजाबी इससे व्हाट आर यू? पठान. पश्तो आती है? पाकिस्तान. पश्तो आती है? पाकिस्तान. पश्तो आती है कि नहीं? बलोची हम, सिंधी हम और पंजाब. ये अच्छा एंगल है, दोनों आएंगे हम इसमें. आसिम भाई आपकी कास्ट क्या है? आसिम भाई की कास्ट मुझे है, मैं बताती हूँ ना क्या, बलोची नहीं देता नहीं घूरेले घूरेले वाले. हालांकि बलोची होने में कोई मसला तो नहीं है. हाँ, तो लेकिन मैं नहीं हूँ. As long as you're a nice human being, then. Yes. हिना सही कहा भाई, क्या कह रही हो? कह क्या रही हो जो लोग कह रहे हैं कि सही कहा. हिना looks simple, decent. Thank you. हिना decent अच्छी लगी. आसिम अज़र, oh my god, you both see more. क्या कुछ looking अच्छा? ठीक है, शुक्र है. तो gap देखिए क्यों लिखा है. वैसे ही यार भाई. बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस फॉर योर रेस्टोरेंट. थैंक यू मोहम्मद हमजा. ये बताइए, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ. ये रेस्टोरेंट खोल के बैठी हैं और इन्होंने अभी तक कुछ नहीं खिलाया. मैंने इसको हांडी खिलाई थी, इससे हलीम खा लिया था और इसने कहा था मैंने मेरा पेट भर गया, आप इसे दो निमारे हांडी के खाए थे. और वो जो दो दफ़ा आपने मुझे कहा था कि मैं आपको ये भेज रही हूँ और ये, वो कभी नहीं आया. क्योंकि पता है क्या, मुझे लंबी कहानी है. लेकिन बताओ हांडी कैसी लगी थी? हिना फुल एक्सप्रेशन के साथ कॉमेंट्स रीड कर रही है. क्या बात है, ऐसे ही होना चाहिए. माय फेवरेट्स फॉर नेक्स्ट एपिसोड. हे प्लीज अडोरेबल, क्या प्लीज डू कॉन्सर्ट इन इस्लामाबाद 21st अक्टूबर इंशाल्लाह. योर बिग क्या है, किस अक्टूबर को? 21st नहीं, वो भूल गए, 29th है मेरी बर्थडे. ओह, कितने साल के हो जाओ? 21. मुझसे छोटा है. तो यू यंगर देन मी, आई एम 23. सो बाय द वे, टेलिंग आवर एजेस टू यू गाइस. तो क्या हो गया, इनको पता है? मैं तो बताता रहता हूं, मैं तो बताता रहता हूँ. आपको गूगल पे कहते हैं 24. हाँ, पता नहीं क्यों है ना. मैं और उस दिन, ये कि मैंने ग्रेजुएशन से बैचलर्स किया. अरे मैं उस दिन पढ़ा, डॉक्टर खालिद प्लीज सुने मेरी बात. यू डॉक्टर खालिद, डॉक्टर खालिद यूट्यूब पे बकायदा वीडियोस हैं के मंथली पर एपिसोड अर्निंग ऑफ पगली कास्ट. हाँ, मैंने भी देखी थी. मुझे भी देखी, देखी हमने भी देखी. मुझे सबसे ज्यादा क्यों, नहीं इनको, हाँ इनके दिमाग में बस ये है कि मैं. और फिर एज, एज वाला सही था मेरा तो, एज एजुकेशन एज वाला सही था. मैंने एज वाला नहीं देखा. मेरी तो दे गॉट माय राइट, दे गॉट 20, मतलब दे गॉट इट राइट. दे सेड 30. हाँ, दे गॉट राइट. इसका 24 कह रहे थे. एक साल छोटी हूँ मैं, लेकिन 24 की भी हो जाऊंगी ना. कब? जैन. कौन सी जान? सेकंड जान को आप सब. आई एम कैप्रिकॉर्न बाय द वे. हिना को मेरी मम्मी 27 दिसंबर. मेरा बुक दिसंबर में आती है, कभी नहीं. वेरी नाइस, वेरी नाइस. आसिम टॉक विद अस प्लीज. अरे क्या मैं अपने फ्रेंड से नहीं बात कर सकता? डोंट वरी आसिम, यू लुक यंगर देन योर एज. रियली? मुझे तो कहते हैं आई लुक ओल्डर देन माय एज. क्यों झूठ बोल रहे हो यार? आई लुक ओल्डर देन माय एज. या यू डू. व्हाट, हाउ, व्हाट्स माय एज, मतलब दिखने में? यू लुक लाइक 24. रियली? 24. अगर ये भी बोल रहे हैं 25 तो वो भी मान जाएं. तो 24 पे जाके बोला है लोग 28. नो, दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज दैट नहीं, मतलब वैसे मैं पूछ रहा हूं. नहीं आई होप द पॉइंट इज कि समझदार जल्दी हो गया ना, दुनिया जल्दी देख ली. बहुत जल्दी देख ली दुनिया, जल्दी देख ली. मैंने भी, मुझे भी सब यही कहते हैं. एक एयरपोर्ट पे मुझे खातून मिली, लाहौर एयरपोर्ट पे, मुझे यही कह रही थी कि यू डोंट साउंड 23 एट ऑल. रियली? आपने उनसे ऐसी क्या बात की? ऐसी जनरल जिंदगी के एक्सपीरियंसेस. तो डिड यू ऑल्सो एक्सपीरियंस के यू ऑलवेज हैड ओल्डर फ्रेंड्स? मी टू. दैट हैपेंस. यू लुक यंगर देन आसिम. शुक्रिया. इज द वन इन द बैक अफ्रेड ऑफ अपीयरिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा? ही इज टू बिजी टू वॉच द थिंग ऑन फोन. ही इज बिजी ना भाई. आप लोग अभी डॉक्टर खालिद ने इतनी अच्छी वो एक लेक्चर दिया. प्रेजेंस दी. हां, लेक्चर दिया नहीं आप लोगों के जाने के बाद. अच्छा है. हां हां, पगली के बारे में एक बहुत उन्होंने, क्योंकि काफ़ी लोग इसको जब भी मैट से भी मिला रहे हैं. नहीं नहीं, मुझे तो उसने कहा है कि आप ओके हैं. कॉल आती ना ये इंटरप्ट हो जाता है. तेरा वो प्यार माय फेवरेट सॉन्ग आसिम भाईजान. थैंक यू. सो लवली है ना, प्लीज सिंग गाना. यार आसिम आपने मुझे मैंने गा लाइव नहीं सुनाया. मैं हिना के लिए गा के फिर मैं अपलोड भी कर दूंगा बस. हाँ, लेकिन मुझे दिखाना लाइव गा के. हाँ हाँ, आप भी होंगी वीडियो में, आप भी होंगी वीडियो में.
मैडम हिना यू आर लुकिंग सो स्वीट. ये मेरे पेज पे आ रहे हैं. एक दफ़ा महमून साहब ने मशहूर कर दिया. मैं लाइव पगली के सेट पे था. महमून साहब ने कोई तेरी गर्लफ्रेंड के मैसेजेस आ रहे हैं और कुछ नहीं आ रहा था. और फिर जो उसके बाद मुझे भी यही लग रहा है. जेंटलमैन पता नहीं क्या था, क्योंकि जेंटलमैन स्टाइल में बात करता है, पर आज हिना के साथ मजा आ रहा है ज्यादा. मैं बहुत वो करके गया जी. मतलब मैं पढ़ रहा होता ना. हेलो फ्रॉम ह्यूस्टन टेक्सस. हेलो. आई लाइक द क्या लिखा है, एसी. एसी इन द बैकग्राउंड है ना यार. एक मैंने कमेंट में पढ़ना, कंफर्म एड्रेस बता दो ऑडिशंस का भाई. जाके सर्च कर लो. हां सर्च करें ना भाई. सिट्रस टैलेंट किधर है? टैलेंट आई किधर है? बिग एजेंसीज इन कराची. तो वहां से अगर किसी और का नंबर लेना है ना तो ले लो, विजिट कर लो वहां जाके. फहद हुसैन इज अ सीईओ, मीट हिम. दैट्स गोना हेल्प यू गाइस अ लॉट. यस. पिक्चर सेशन हो रहा है. पिक्चर सेशन हो रहा था. हां अच्छा. आज पिक्चर प्लीज आप पिक्चर ले. ओ कितने अच्छे टाइम पे तुम गई हो. कमेंट आया है. और अगर तुम होती तो हम जरूर पढ़ती. क्या है? तुम छोड़ती नहीं. अब चला गया. चला गया. आई गेट हियर. इज देयर एनीबॉडी टू हेल्प मी? पता नहीं भाई. खुद मेरा वो प्यार ऑसम. अच्छा. ओ हाय गाइस, आई एम फ्रॉम वैंकूवर कनाडा. Hello, Hina. You're my favorite personality in the media. Thank you. Kya baat hai, yaar. Thank you. Hina, your accent is very good. I like your accent. Haan, kyunki mera accent hai, mera accent. Hina looks younger than 23. MashaAllah. Haan. Aap dono bahut achhe ho. थैंक यू. कैसे हो? सुनो ना, याद है पहले करो ऐसे तुम करते हो, कमेंट्स पढ़ते हो, डीसेंट डीसेंट बन के. यार मैं बताता हूँ. अच्छा चलो. Sit back, please. Mail covering the entire window. यार आपको क्या पता हम इस वक्त किस सिचुएशन में बैठे हैं? आप लोगों की सोच है. हाँ, यहाँ आप लोगों की वजह से मैं इस पोजीशन में बैठी. हाँ, वो कह रहे हैं कि पीछे वो चाह रहे हैं भाई हमने इधर चार्जर लगाया है तो वो अब मैं पीछे जाऊंगा तो नहीं. आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हो. अल्लाह पाक आप दोनों को ऐसे ही खुश रखे. बाय द वे, यू लुक एल्डर देन योर एज आसिम. अच्छा, आसिम को एल्डर एल्डर कहने पे लगे हैं. और आपको ऐसा ही है? कोई बात नहीं, अच्छी बात है. आसिम, यू लुक सो डीसेंट. थैंक यू. यू लुक डीसेंट. यू आर नॉट डीसेंट. आई एम नॉट डीसेंट. आसिम इज द मोस्ट डीसेंट गाय यू सी इन द इंडस्ट्री. और मैं इससे ना इतनी गॉसिप करने की कोशिश भी करती हूँ लेकिन मजाल है जो आसिम किसी के साथ गॉसिप. ये सच है या ये नहीं? ये मैं ऐसी बिलावजी नहीं कह रही. हाँ. तो ये सच बात है. अच्छा. और अगर आप किसी के फैन हैं तो आप बिल्कुल सही बंदे के फैन हैं. ये नहीं पढ़ो आसिम. अच्छा नहीं, ये मुझे पढ़ना है. तो कब इरादे हैं आपके? वो Just to let you all know, Asim gets irritated by comments like कि आप शादी कब कर रहे हैं, आपकी गर्लफ्रेंड कौन है, आपको किस किस्म की लड़की पसंद है. Because Asim always says that I have a long way to go and I have a lot to do in life right now. I don't have time for love. Any love of fans. Any भाई ने अभी पिछला comment लिखा था कि आप मैं बाद में बताऊंगा. Yes. What do you think? Who I don't believe it. Yeah, I just started watching Pagli and now you both are live. This is so good. You read my name to love you both. कौन है? कौन है? Well done guys for Pagli. Teamer Tanveer, Asim, you are very cute. Hina, आपने अपने इंस्टाग्राम पे कॉमेंट्स क्यों बंद किए? ठीक है, मुझे एक तो टाइम नहीं मिलता था पढ़ने का. ठीक है, लेकिन जब मुझे टाइम मिलने लग गया पढ़ने का तो यूजली मुझे वो स्टैंडर्ड कॉमेंट्स आते थे, क्यूट. तो आप क्या चाहती हैं? आपको किस टाइप के कमेंट्स हैं? आपको लोग क्यों प्रिटी ब्यूटीफुल ना कहें? नहीं बिल्कुल कहें, बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन आई जस्ट डिडंट फील लाइक. अच्छा एक इशारा है, वो कहता है इशारा कैसा था? आपके लिए था, मेरे लिए नहीं था. वो आपके लिए था. उसे क्या मतलब होता है? उसका मतलब कि सीन में आ जाए. आप पता नहीं, सिर्फ दो लाइन्स मेरी सीन की, अगले सीन की दो लाइन्स में पैक करता हूं. ओके, आपको पैकअप हो चुका है? नहीं, मैं सीन में हूँ ना, आप लोगों का पहले होगा. ओके भाई, तो अब आप लोग बोर होंगे. अब मैं फिर से वही डिसेंट
बन के आप लोगों से बात करूँगा. ओके, तो हिना जा चुकी हैं. आई थिंक हमें भी अब खुदाफिस कर लेना चाहिए. या आप चलो मैं थोड़ी आप लोगों से बात कर लेता हूँ. तो हिना, आप लोगों को पता ना, हिना पहले होस्ट थी और हिना को मैं जानता हूँ जब हिना ने मेरा पहला इंटरव्यू किया था ARY म्यूज़िक में. तो मैं हिना को तब से जानता हूँ और इसलिए हमें काम करने में बड़ी आसानी हुई कि हम दोनों एक दूसरे को जानते थे और कंफर्टेबल थे. और बट आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे अब पता लग रहा है कि यू गाइज़ आर लाइकिंग पगली, इन्जॉइंग पगली. और अगर अभी आप लोग इन्जॉय कर रहे हो तो आई एम श्योर के आने वाले दो एपिसोड्स के बाद तो आप लोग बहुत इन्जॉय करोगे, बिकॉज थोड़ा फास्ट हो जाएगा और स्टोरी मज़ेदार हो जाएगी, ट्विस्ट्स आएंगे और मज़ा आएगा. हेलो फ्रॉम मिशिगन, यू शुड अरेंज अ कॉन्सर्ट इन US प्लस, लव योर परफॉर्मेंस इन कोक स्टूडियो. हाय उमेर, अभी आई जस्ट गॉट बैक फ्रॉम US. आई परफॉर्म्ड इन मायामी एंड शिकागो, बट इंशाल्लाह मिशिगन में भी कभी. तो ये बात है. हाँ आसिम, ब्लैक कलर आप पे अच्छा लगता है, यू लुक मोर हैंडसम इन ब्लैक कलर. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. हिना प्लीज़ बैक, आसिम अगेन जेंटलमैन सीन में आ गया है. यार मैं अब मेरे साथ ऑब्वियसली मेरा कोई दोस्त होगा तो मैं उसी की तरह बात करूँगा ना. आप लोगों से अकेली तो फिर मुझे देखो अकेला बंदा होता है, मैसेजेस भी खुद पढ़ने हैं, बात भी खुद करनी है, जवाब भी खुद देना है, इंटरटेन भी आप लोगों को खुद करना है. तो ये सीन है. अभी तो मैंने उनको रोक के रखा है कि मैं अभी क्या कहते हैं कुछ कपड़े चेंज करने हैं मुझे सीन के लिए. तो किसी दिन आप लोगों को मैं ऑन सेट दिखाऊंगा कि शूट कैसे होती है. तो अभी तक शूटिंग पे हो, यस, और अगले कोई एक डेढ़ घंटे तक भी हम इधर ही रहेंगे. और व्हेन यू कम टू इंडिया, इंशाल्लाह वेरी सून. अच्छा खैर, तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगा थोड़ी देर में. लेकिन आप लोग, आसिम आपका न्यू सॉन्ग कब आ रहा है? मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह. मुझे पता है आना था लेकिन कुछ मसले की वजह से थोड़ा डिले हो गया, लेकिन अच्छा अच्छा रीज़न है. तो खैर ओके, सो आई विल सी यू गाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम. हम कोशिश करेंगे फिर से हम आए लाइव और आपको अगली दफ़ा शूटिंग भी दिखाएं. सो खुदा हाफिज़, बाय, लॉट्स ऑफ लव, बाय डॉक्टर खालिद. Bye. We'll finally sing. Bye. Okay, bye.